later. They can ask their questions. And Shah Rukh has also agreed to give answers for his fans' questions also. So, मेरी ओर से आखिरी सवाल ये कि शाहरुख मेकअप में कितना टाइम लगा था? शुरुआत में 6 घंटे लगते थे और फिर प्रैक्टिस होते 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 तकरीबन 2.5-3 घंटे. और मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि जितने भी एडीज हैं यहाँ पे इस फिल्म के, और अपना दीपक भी वहां पे खड़ा जिसने मुझे सिखाया, और जितने भी एडीज हैं वो बेचारे बहुत पेशेंट थे. इट इज वेरी इरिटेटिंग टू पुट दिस मेकअप ऑन, but they were very patient. I think the whole team has been beautiful to me. So thank you all you boys and girls who are working on the film. Thank you very much. And I think the time has come. We open the questions to press and media. And if any of you have any questions to ask, I'll quickly answer them. Khan, okay, let me get over with the press, then we'll come to you. So if we can listen to the questions and answers with respect and love. Khan sahab, RJ Alok here from OFM. Hi, Alok, how are you? सर बहुत बढ़िया आउटस्टैंडिंग ट्रेलर है ताबड़तोड़ सा. सवाल ये है, एक फैन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि फैंस हर तरीके के होते हैं और आपने इस फिल्म में भी फैन का किरदार निभाया है, तो एक फैन को कैसा होना चाहिए और कैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए? यार फैन का मतलब ये होता है जैसा वो होना चाहे वैसा होना चाहिए. हम और आप कौन होते हैं उसको बताने के लिए. मैं एक्चुअली आई डोंट थिंक ऑफ पीपल एज फैन, आई थिंक पीपल एज एडमायरर्स एंड पीपल हु लव यू. और इश्क है, प्यार है, मोहब्बत है, तो जैसा करना चाहो करो. मोहब्बत में देवदास बन जाओ, राहुल बन जाओ, राज बन जाओ, गौरव बन जाओ. आई थिंक जिसको जिससे जैसी चाह होती है, जैसे वो एक्सप्रेस करना चाहता है, चाहे उसमें कुछ गलत भी हो, तो हम और आप कौन होते हैं उसको बोलने के लिए कि ऐसा मत करो, क्योंकि प्यार है यार. जैसा प्यार आया वैसा प्यार किया. कभी कभी बहुत ज्यादा प्यार आ जाता है, और जब बहुत ज्यादा प्यार आता है तो फिर उसकी कोई इंतहा नहीं रहती. सो आई विल नेवर बी एबल टू टेल एनीवन हाउ टू लव, हाउ टू बी अ फैन. यस, इट इज अनफॉर्चुनेट, समटाइम्स इट गेट्स आउट ऑफ हैंड, बट गेटिंग आउट ऑफ हैंड इज ऑल्सो लव. सो आई वोंट टेल एनीवन, आई वोंट एनकरेज देम. आई होप आई डोंट गेट लिंच्ड इन द मॉर्निंग बाय पीपल, शाहरुख इज एनकरेजिंग फैंस टू गो मैड. बट या, इट्स ऑल राइट टू बी द फैन दैट यू वॉन्ट टू एंड बी एज यू विश टू बी. आई लव यू टू. डार्लिंग, हाय, माय नेम इज किरण. किरण 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 सवाल पूछ रही. या, सो माय क्वेश्चन इज, यू सेड लिटिल लाउडर किरण, सॉरी. आई वन सेकंड, गिव मी 2 मिनट्स, लेट्स जस्ट लिसन टू दीस क्वेश्चंस, देन आई विल बी विद यू गाइस. थैंक यू वेरी मच. सो अबाउट 20 इयर्स बैक यू मनीष टोल्ड यू दैट ही वांट्स टू मेक अ मूवी ऑन सच अ थिंग. नहीं, 20 साल पहले तो मनीष पैदा ही नहीं हुआ था. 8-9 साल पहले बोला था, तो छोटा सा बच्चा था. So what was your first reaction or your thoughts that someone wants to make such a movie? मुझे जब मनीष ने पहली बार कहानी बताई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि बहुत डिफिकल्ट कहानी है, क्योंकि he was very clear, double role नहीं है, look alike है. उस वक्त ना टेक्नोलॉजी थी, ना हमारी इतनी सोच थी, समझ थी. और मुझे याद है मैं चेन्नई की डबिंग कर रहा था यहाँ पर, तो मनीष यहाँ पे अपनी अगली फिल्म की आई थिंक रिहर्सल कर रहा था. एंड वी मेट एंड आई सेड, उस कहानी का क्या हुआ? इसे सर मुझे वही वाली बनानी है. सो ऐसे चल बना लेते हैं. And we just decided right here where you people are standing, कि हम फैन बनाएंगे and then कब बनाएंगे. So I said we have the technology now, we have the visual effects with fortunately with Red Chillies at that point in time. कोशिश करेंगे अगर हुआ तो. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले 3 महीने की शूटिंग के बाद जब हमने पहला रिजल्ट देखा था, it was really bad and we had thought ये फिल्म कभी नहीं बन सकती. But then Adi and Manish and the whole team said अब बना देते हैं और कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा. सो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग स्टेप फॉरवर्ड टू टेक अ चांस लाइक दैट. सो इट वाज डिफिकल्ट फिल्म, इट स्टिल इज डिफिकल्ट. वी होप वी हैव गॉट इट राइट. सो आई डिडंट डू इट देन बिकॉज इट वाज डिफिकल्ट. आई थिंक इट्स राइट टाइम टू डू इट नाउ बिकॉज इट इज पॉसिबल. मिस्टर खान, हाई, दिस इज फरीदून फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा. अमेजिंग प्रोमो, इट्स लुकिंग ब्रिलियंट. फरीदून इज मोर पॉपुलर देन एनीवन एल्स इन मुंबई राइट नाउ. सो एवरीबॉडी गोट फरीदून फरीदून फरीदून. एक हमको कवर वर्जन भी सुना दे जबरा का, जल्दी से. फरीदून बड़ा रोमांटिक है. हाय रे जबरा, होए रे जबरा, फैन हो गया. ओके सर, आई थिंक आउटस्टैंडिंग प्रोमो. आई थिंक यू आर लुकिंग वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू लुक्ड आई थिंक इन अ लॉन्ग टाइम. व्हिच इज आयरोनिक दैट पीपल विल स्पेंड मनी नॉट टू लुक लाइक शाहरुख खान. फरीदून, इट्स नॉट दैट, इन टर्म्स ऑफ योर एक्टिंग सर. ओके, थैंक यू. यू आर लुकिंग एक्सट्रीमली डिफरेंट. सो माय क्वेश्चन वाज दैट वी हैड सम बैड एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग दिलवाले एंड यू आर अ टैक्स पेइंग सिटीजन ऑफ द कंट्री. Would you make some appeals before the movie gets? I know only one appeal, so I'll tell you right now. When I'm watching the KKR match against Mumbai Indians, out!
That's the only appeal I make. I'm not getting into this. Freedom of speech means the right to keep silent also. So I'm very silent about this. Hi, Shah Rukh, Ravi from ABP News. Thoda sa louder, beta. Shah Rukh, Ravi from ABP News. Hi, Ravi, how are you? Hi, fine. Shah Rukh, ye jana chahunga ki aap bhi kai logo ke fan rahe honge, to jana chahunga ki aapne kabhi kisi ke liye koi ajeeb si cheez ki hai diwangi ki had tak, ya ek sawal aur ki kya kisi fan ne aapke liye bahut ajeeb si cheez ki hai jo aap hame share karna chahenge? Ye do sawal the mere. Main actually mujhe malum nahi tha, lekin ab mujhe aisa lagta hai. Main filmein banana chahta tha aur main filmon ka fan hu. तो जो भी मैंने 25 साल में किया है वो मैंने फिल्मों की दीवानगी में ही किया है. सो ऑल दिस दैट आई डू व्हिचएवर रोल आई प्ले फॉर मी इज बीइंग अ फैन ऑफ फिल्म्स. आई लव फिल्म्स, आई लव वाचिंग देम, आई लव देम सो मच दैट इवन लव द बैड फिल्म्स. सो आई एम अ वेरी बैड पर्सन टू शो अ फिल्म. मुझे लोग फिल्म दिखाते हैं ट्रायल पे और मुझे इतनी अच्छी लगती है क्योंकि मुझे फिल्में अच्छी लगती है. मैं कभी बोल नहीं सकता यार इसमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है. सो आई थिंक आई बीन अ फैन ऑफ फिल्म्स. एज फार एज पीपल कंसर्न फॉर मी, आई डोंट नो. मैंने एक किस्सा बताया कि एक आदमी थे मेरे स्विमिंग पूल में नहा कर चले गए. वो सिर्फ मेरे पूल में नहाना चाहते थे. तो उनको रात को जब पुलिस ने भी पकड़ा तो उन्होंने कहा यार मुझे मारना वारना नहीं, कुछ मत कहना मुझको, क्योंकि मुझे सिर्फ उनके पूल में नहाना था. तो वो नहाए और चले गए. बट देर हैव बीन किड्स एंड पीपल हु कम टू माई हाउस, क्लाइम्ड 7 stories, बट आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू एनकरेज एनी वन अमंगस्ट द यंगस्टर्स टू डू एनी थिंग विच मे बी हार्मफुल और you know, wrong for them to do, because sabke parents hote hain, kabhi kabhi upar niche cheeze ho, sabko dukh hota hai. So I wouldn't like to talk about those things at this point. And writing letters in blood is a no-no. It's just send an email, much better. Don't use your blood. Twitter is good. Yeah. Tweet. Yeah. Shah Rukh, Abhishek here. Kahan Abhishek? हाँ. Hi. तो क्या अगर आप कभी गौरव जैसे किसी fan का अगर आपको सामना करना हो तो आप क्या करेंगे? बहुत मारूंगा उसको मैं यार. उन्हें पहले समझाऊंगा मैं. और फिल्म होती है थोड़ी सी, हम रियलिटी को जो है एक्सटेंड कर देते हैं. तो असलियत में शायद ऐसा नहीं होगा. अगर मैं समझाऊंगा तो समझ ही जाएंगे. क्योंकि बहुत अमेजिंग ये कहानी गौरव की जरूर है, लेकिन एक सुपरस्टार या मूवी स्टार जो लाखों लोग जिसको जानते हैं, कभी कभी वो बातें वो नहीं कह सकता जो सबसे कहना चाहता है. And gets misunderstood, you know. So it's a story of a misunderstood or miscommunicated movie star also. He didn't mean it like that, but he was being nice to a young guy. Ke yaar tum ghar chale jao, ye sab mat karo, galat hai. So the misunderstandings can happen because you look up to someone like that. So I would just sit down and explain things. I would spend, especially after doing this film, main agar mere saath kuch aisa waqia hua to main ek din nahi 10-12 din us ladke ya ladki ke saath guzar ke samjhane ki koshish karunga. Okay, Shah Rukh, Naseem here. Shah Rukh, yeah. ट्रेलर इज प्रॉमिसिंग, बहुत बेहतरीन ट्रेलर है शाहरुख, उसके लिए मुबारकबाद आपको बहुत बहुत. लेकिन जिस तरह की जुबान लैंग्वेज का आपने इस्तेमाल किया है, और आपने कहीं ना रबदेव बनादी रमदेव बनादी जोड़ी के दौरान कहा था कि गौरी के भाई उस तरह से वॉक करते हैं या वो उस तरह की ड्रेसिंग करते हैं, तो ये जो रेफरेंस है गौरव का वो कहाँ से लिया है आपने? एक्चुअली यार फिल्म मनीष दिल्ली के हैं, मैंने बोला दीपक है, बहुत सारे एक्टर्स दिल्ली के. मैं भूल गया एक्चुअली यार, मैं जब शुरुआत में आया था मुझे बड़ी खौफ होती थी, बड़ा बुरा लगता था कि मुझे कोई दिल्ली का कैरेक्टर नहीं दे रहा है, क्योंकि तब मैं दिल्लीयत अच्छी थी मेरे अंदर, तो दिल्ली वालों की तरह ही बात करता था मैं. बट बहुत साल हो गए, 25 साल हो गए मुझे दिल्ली से आए हुए मुंबई, तो थोड़ी बहुत मैं भूल गया था. बट ऑल द स्पेशली मनीष एंड एवरीबडी इन्वॉल्व विद द फिल्म, दे रिमेम्बर द लहजा एंड द डायलेक्ट ऑफ दिल्ली. तो उन लोगों ने बहुत मदद की, और जितने भी एक्टर्स थे दिल्ली के थे, तो जैसे वो बात करते थे मैं सुन सुन के कोशिश करता था कि वापस दिल्ली का जो हाउ डू यू से फ्लेवर है उसको कैरेक्टर में लेकर आऊं. और रियलिस्टिकली नॉट ट्राई टू बी नकली दिल्ली वाला, बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली, सो इट शुड नॉट सीम रॉन्ग टू द दिल्लीआइट्स. व्हाट आर द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट व्हाइल वर्किंग ऑन फैन? या एज यू सेड, यू नो, कि थोड़े कुछ साल पहले मनीष ने अप्रोच किया, फिर कहीं लगा कि चीजें जिस तरह से आप चाह रहे हैं पूरी यूनिट चाह रही है नहीं हो रही है. डूइंग फैन वॉज अट्स अ चैलेंज, यू नो, हाउ डू सी द होल एंटायर प्रोसेस ऑफ फैन, यू नो? And what is the most challenging part while working on fan? As an actor, I never say anything is challenging. You're a professional actor. You're supposed to do it to the best of your capability. But having said that, physically, this is a very challenging film. There's a lot of running. I'm a little injured now with my patella being broken. So a lot of the running and the action shots and even the Jabra song has been done when I was injured. But having said that, I think the whole unit was very kind to me. They would let me shoot it. I used to ice it. Physically, doing a double role like this is a little challenging. स्पेशली इन क्रोएशिया में बहुत मुश्किल था, लंदन में बहुत मुश्किल था, ठंड थी,
So physically it was a little challenging. And you know, at this age, to turn around and play a 24-year-old and keep that energy, and then to have to do it twice or 10 times in a day as this character and that character, that was difficult. That was a little, but the team made it very easy. They were always thinking about me, asking me, all right, sit down, relax, we'll do it later. So everybody was very sweet, except Adi. Wo producer bahut aaya hai, toh nahi abhi shooting karo, abhi shooting karo, abhi shooting karo. But fortunately, he was abroad writing the film that he's shooting in Paris now. So uske jab wo yahan nahi tha, uske piche humne jo hai kafi sare leave leke aram se humne shooting kar li. Hi Shah Rukh, Anita here. Hi. Just say your name again, darling. Anita. Shah Rukh, do you remember your first encounter with your fan? I don't know if they were fans or not, but the first time I got to know that I'm known was I was driving in a three-wheeler. Main Delhi mein Panchil sadak ke samne tha. Aur do aurte thi, I think maa aur beti thi ya behne thi. And aisa mera scooter cross kiya to dono ekdam chilaye. Abhimanyu Rai! So I was, and then for next 2 years, everybody called me Abhimanyu or Abhi. So I got the first taste of thinking people recognize me on the roads through those two ladies. So I don't know where they are, but if they remember that they screamed at me one day, a big thank you for making me feel like a star at that point in time. Hello? Shah Rukh, I'm here. Renuka. Hi. Hi, sorry, darling. Shah Rukh, the Jabra song that we see, you're dancing on the roads of Delhi. And you're in your Gaurav your makeup. Did people recognize you on the streets of Delhi while you were doing it? How difficult was it to shoot with people around all the time? And you look fantastic in the film, both the roles. And it has shades of gray, slightly, the trailer makes it look like. So were you slightly apprehensive that the fans may take it in a different way? Yeah, so the first part I'll tell you first. It was difficult to shoot because, you know, with the makeup, it was very, it's very sticky and it has a lot of marks on the face when you're shooting it. Some pictures even came out. Bahut sari photos bahar bhi aa gayi thi. Lekin bahut ajeeb baat thi, hum jab Indra Vihar colony mein shoot kar rahe the, mere nakli daant hai. To main daant lagaya shooting ke waqt, to ek lady aayi, "Hi, iske asli daant nahi hai, Shah Rukh Khan ke nakli daant lagata hai, ye pata hai na, denture pehen raha tha, maine dekha isko." And then some people from my own family came and said, "Bada healthy hai ye real life mein, ha? Lagta nahi hai, film mein patla dubla lagta hai," because the face was little this thing. So then some ladies had come here when we were shooting the first time and we told them, "Hum photo nahi khichana chahte, kyunki look bahar chala jayega." "Nahi, bade acche lag rahe ho, ekdam young lag rahe ho tum to." So I got reactions like that. Yes, it was very difficult, but Manish kept on insisting ki Delhi jayenge, jaan chali jaye lekin Delhi jayenge, aur Delhi mein jaake gaana zarur shoot karenge. Mar jayenge lekin Delhi jayenge. To बहुत भीड़ भाड़ थी, कई बार हमको वो जो कॉलोनी थी, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, बहुत स्वीट थे बेचारे, शूटिंग करने थी, लेकिन बहुत सारे लोग थे, तो कई शॉट्स के अंदर उन लोगों को भी हमने शॉट्स में से निकाला है. बट इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. आई थिंक वो अगर दिल्ली की हवा इस कैरेक्टर को नहीं लगती तो शायद फिल्म ऐसी नहीं बनती जैसा मनीष बनाना चाह रहे थे. सो इट्स नाइस. द सेकेंड पार्ट, या देयर विल ऑलवेज बी इश्यूज, देयर विल बी सम पीपल हु मे नॉट लाइक द फिल्म बिकॉज द फैन इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे थॉट. They may not like the superstar because he may turn out to be mean, but it's a film. So I'm not like this. I am not like any of the characters I've played in 25 years. Very few people know me. I'm not like these either. But this is for entertainment and, you know, you can't please everyone all the time. So hopefully some people will like it and enjoy the two characters that Manish has etched out so clearly.